फूल से आप लोग का स्वागत करते हैं मेरा ब्लॉग में। इतना फूल खिला है देखिए, हम लोग का छत से ही, हम लोग का गार्डन से लाए हम। मम्मी का तबीयत खराब, मम्मी पूजा नहीं करेगी इसीलिए शायद इतना फूल खिला है। जवा फूल 8 गो हुआ है, पिंक वाला, रेड कलर का 2 गो हुआ है, अपराजिता इतना सारा हुआ है, व्हाइट ब्लू सब। देखते हैं हम काम करके जल्दी अगर पूजा कर सके तो। काम भी तो कर, सब आधा काम कर चुके, आधा नाश्ता वास्ता करना बाकी है। फूल तो तोड़ के ले आए सब्जी मार्केट से, आए उसको ठीक से रख देते हैं। मम्मी का तो तबीयत खराब है, मेरा भी था थोड़ा तबीयत खराब लग रहा, लेकिन करना तो पड़ेगा, खाना कैसे खाएंगे। फिर सोच रहा है खिचड़ी बना दे, इधर दाल चढ़ा दिए उबालने के लिए, सब्जी सब तैयार करेंगे, कौन कौन सा सब्जी मिक्स करके खिचड़ी बनाएंगे, तुरंत हो जाएगा। मेरा भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, पूजा भी कर लेंगे हम। दाल हाफ उबल गया है, इधर हम सब सब्जी सब धो के रख दिए, पम्पकिन थोड़ा मिक्स करेंगे, फूलगोभी मिक्स करेंगे, आलू मिक्स करेंगे, टमाटर मिक्स करेंगे, प्याज भी काट के रख दिए हैं, सब कुछ कटिंग करके रख दिए हैं अब बनाने का। बाहर का नज़ारा देखिए, धूप कभी खिल रहा कभी मतलब अंधकार हो रहा, लेकिन गर्मी बहुत है, सब काम अकेले करना पड़ रहा, क्या करें। मम्मी को बहुत तबीयत खराब है, अभी डेंगू फैला हुआ है तो फीवर बहुत है, दवाई खा रही मम्मी, थोड़ा थोड़ा ठीक लगा, लेकिन तब भी तो कमजोरी लगता ना, काम तो कर नहीं सकेगी, इसीलिए हम कर दे रहे। खिचड़ी खिला के मम्मी को सुला दिए थे। नहीं मजाक कर रहे हैं, आज हम खिचड़ी बनाए थे आप लोग के साथ, बस कटिंग जब किए थे तब शेयर किए, क्योंकि अकेले करना पड़ रहा ना, तो इतना ब्लॉग की तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उधर मम्मी खाना बनाती तो हम ब्लॉग बना देते हैं मम्मी के लिए वीडियो अभी, लेकिन हम अकेले इतना नहीं संभाल पाते हैं ना माँ। मम्मी का थोड़ा ज्यादा ही फीवर आ गया था इस बार, दवाई वाई ले रही मम्मी अभी ठीक है, फीवर नहीं है मम्मी का बॉडी में, बिल्कुल नहीं है। मेरे को भी आज थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो सुबह नाश्ता नहीं बनाया था, अभी जा रहे भिंडी फ्राई करेंगे और रोटी पराठा बनाएंगे, लेट हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी जा रहे, अभी शाम का 6:30 बजा है। मम्मी सबको डेंगू बीमारी आया है, डेंगू बुखार, हाँ सबको, मेरा गांव में भी हम सुने हैं जो एक दो को डेट हो गया, यहाँ पर भी किसी के घर में डेंगू आया है बुखार। मेरे को तबीयत खराब है, सोमा भी बोले मेरा तबीयत ठीक नहीं है, घर का काम भी समा कर रही है, तकलीफ है अभी हम लोग को। हाँ तबीयत तो खराब लगा ही रहता, क्या करिएगा, बॉडी भी एक मशीन है, चलते चलते खराब हो ही जाता है बीच बीच में ना। तो बहुत खराब था इसलिए हम लोग ब्लॉग नहीं बनाए, आज थोड़ा बहुत मेरा तबीयत ठीक है, गला वाला दर्द है, कान दर्द है, मैं बुखार छूट गया। चले हम रोटी वोटी बनाने, बाद में आप लोग से मिलते हैं फिर। डिनर बन के रेडी हो गया, हम काम में भूल गए थे आप लोग को बताना, भिंडी फ्राई किए हैं, पराठा, और हम थोड़ा मिक्सचर खाते हैं रोटी पराठा में, इसीलिए लिए हैं। भिंडी फ्राई हो चुका, भैया कर चुका डिनर, मम्मी बोली हम नहीं करेंगे, मम्मी खिचड़ी खा ली और हम पराठा खा रहे हैं। अभी मम्मी यहाँ बैठी है तो सोई है, तो इसीलिए हम भी आ गए। मम्मी का हालत खराब है तभी हम बोले ब्लॉग को खत्म कर दीजिए, मतलब आज का ब्लॉग को। मेरे को फैन नहीं चाहिए, उसी को फैन चाहिए, काम कर रही ना थक गई, पसीना भी बहुत, गर्मी भी है, इसलिए उसी को फैन चाहिए। इतना देर से फैन ऑन किया, मेरे को तो ठंडा लग रहा है, क्या करें, उस काम भी कर रही है, इसलिए बोले चलने दो, मेरे को नहीं चाहिए फैन, मम्मी उड़ी हुई, चादर चाहिए, क्या करें। खिचड़ी खाए थे उसके बाद दवा खाए थे, और रात को रोटी वोटी नहीं खाए, तबीयत सोच रहे रोज सुबह ठीक हो जाएगा, काम हम करेंगे नहीं, अकेले कितना करेंगे, उसको भी तबीयत खराब हो जाएगा, देखते हैं कब तक तबीयत ठीक होता। ब्लॉग बंद कर दे रहे तो मेरा सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहा है, मेरा वॉच टाइम से भी घट जा रहा है, इसीलिए ब्लॉग बनाने की कोशिश करें, जितना हो सका समय बनाए काम उम करके। हम तो नहीं उठे, बिस्तर में सोए रहे, आज का ब्लॉग इन करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, मिल सकते हैं शायद, आज का ब्लॉग इन करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए। गुड नाइट, बाय।